सिनफिग का उपयोग करके ई कार्ड एनिमेशन के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ पीएनजी छवियों का उपयोग करके ई कार्ड एनिमेशन बनाना सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे पीएनजी फॉर्मेट में छवियों को इंपोर्ट करना, छवियों को एनिमेट करना, टेक्स्ट का एनिमेशन करना, एनिमेशन का पूर्वावलोकन करना, एनिमेशन को AVI फॉर्मेट में रेंडर करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 14.04 OS, Synfig version 1.0.2। आइए Synfig खोलते हैं। डैश होम पर जाएं और Synfig टाइप करें। आप लोगो पर क्लिक करके भी Synfig खोल सकते हैं। अब आइए ई कार्ड एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी Synfig फाइल को सेव करने की आवश्यकता होती है। फाइल पर जाएं और सेव पर क्लिक करें। फिर जिस फोल्डर में सेव करना है उसका चयन करें। फाइल नाम में ई कार्ड एनिमेशन टाइप करें और सेव बटन पर क्लिक करें। सर्वप्रथम हम टूल बॉक्स पर जाएंगे और रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। फिर दिखाए गए अनुसार प्रदर्शन करने के रूप में कैनवास पर एक आयत बनाएं। हम सेटिंग्स को बदलेंगे ताकि इंपोर्ट की गई छवि कैनवास के अंदर फिट हो जाए। ऐसा करने के लिए एडिट पर जाएं, प्रेफरेंसेस पर और फिर मिस्क पर क्लिक करें। स्केलिंग न्यू इम्पोर्ट इमेज टू फिक्स कैनवास पर क्लिक करें। अब ओके पर क्लिक करें। यह विकल्प छवियों को इस तरह इंपोर्ट करेगा कि वह कैनवास के भीतर फिट हो जाएं। कृपया ध्यान दें, हमें पीएनजी फॉर्मेट वाली छवियों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेपीजी और जेपेग जैसे अन्य फॉर्मेट Synfig कैनवास पर अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इसके अलावा रेंडरिंग के बाद भी पीएनजी छवियों को उपयोग किए जाने पर आउटपुट की गुणवत्ता बेहतर होती है। आइए Synfig इंटरफेस पर वापस आते हैं। फाइल पर जाएं और इंपोर्ट पर क्लिक करें। मैंने आवश्यक छवियां माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर ई कार्ड एनिमेशन फोल्डर में सेव कर रखी है। ये छवियाँ इस वेब पेज पर कोड फाइल्स लिंक में भी प्रदान की गई है। कृपया कोड फाइल लिंक्स खोजें और इन छवियों को अपनी मशीन पर सेव कर लें। अब मेरे साथ साथ अभ्यास करें। बीजी छवि चुनें और इंपोर्ट पर क्लिक करें। हमें बीजी छवि कैनवास पर प्राप्त हो जाती है। छवि का आकार बदलने के लिए सर्वप्रथम नारंगी बिंदु या नारंगी डक को होल्ड करें और बीजी छवि को कैनवास पर फिट करने के लिए माउस को दिखाए गए अनुसार अंदर या बाहर खिसकाएं। अब फोल्डर में केक छवि चुनें और इंपोर्ट पर क्लिक करें। हमें हमारे कैनवास पर केक की छवि मिल जाती है। इस तरह अन्य सभी छवियों को भी इंपोर्ट करें। ध्यान दें, हमारे पास तीन लेयर है, केक, फ्लावर्स और बलून्स। आइए अब इन छवियों का आकार बदलते हैं। लेयर्स पैनल पर जाएं। सबसे पहले केक लेयर चुनें। देखें कि चयन करने पर कैनवास पर रीसाइज